Hello everyone, I am Gurudat, assistant professor in Indraprastha Law College. This is the 8th video lecture of Professional Ethics, Accountancy of Lawyers and Bar and Bench Relation. In the last 3 videos, we have studied contempt of court. Now in this video, we will study strike by lawyers. We will see what is the constitutional right to strike, the right versus duty debate, along with court judgments and the views of Supreme Court on right to strike. Let's first start with right versus duty debate. See, the Constitution of India under Article 19C gives us the right to freedom of association. So, with the right to freedom of association, the right to strike becomes a fundamental corollary conferred by the Part 3 of the Constitution. Now, in simple words, we can say that right to freedom ke saath hi aapko right to freedom of association ke saath hi aapko right to strike bhi milta hai. Kyunki association ka role tabhi play hoga jab aap as a group apni kisi interest, apni kisi demand ko किसी के सामने रखेंगे तभी आप एसोसिएशन बनाने का जो मूलभूत उद्देश्य है उसको पा सकते हैं. इसीलिए जैसा ही आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट मिलता है, आपको इनडायरेक्टली एक तरह से राइट टू स्ट्राइक का भी अधिकार मिल जाता है. कोर्ट्स ने भी ये माना है कि राइट टू स्ट्राइक कई सारे प्रोफेशंस में एक फंडामेंटल राइट है, जैसे कि लेबर मूवमेंट्स में हो गया. लेबर्स को राइट टू स्ट्राइक का अधिकार है लेबर लॉ के अंडर, दे हैव द राइट टू स्ट्राइक. अब क्वेश्चन ये उठता है, जब क्वेश्चन आता है किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइक डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इन प्रोफेशंस में क्वेश्चन बड़ा उठता है. क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो आपको राइट मिला है स्ट्राइक करने का कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, दूसरी तरफ आपकी एक ड्यूटी है टूवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. आपकी क्या ड्यूटी है कि आप उन सिटीजन्स का जो राइट है उसको अचीव कराने के लिए दिन रात काम करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर हो गया, एक हॉस्पिटल में कोई आता है और डॉक्टरों से बदतमीजी करता है, उसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर से स्ट्राइक कर लेते हैं. इसमें अल्टीमेटली कौन पिस रहा है? इसमें अल्टीमेटली पिसता है वो पेशेंट जिसकी कोई गलती नहीं थी. वो पेशेंट अननेसेसरली हार्म हो रहा है क्योंकि डॉक्टर्स अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज़ कर रहे हैं. इसीलिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी जब हम इन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस में इंटरप्रेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस के लिए इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको हम लिमिट कर देते हैं. और ऐसा ही कोर्ट्स ने, हम आगे देखेंगे, किया भी है वेरियस केसेस में. इन वेरियस केसेस कोर्ट्स हैव एक्चुअली लिमिटेड द राइट टू स्ट्राइक फॉर लॉयर्स, फॉर डॉक्टर्स, फॉर और अदर प्रोफेशनल पर्सन्स. और जहाँ तक पुलिस फोर्स की बात है, आर्मी के पास है, दे हैव नॉट इवन बीन गिवन राइट टू स्ट्राइक. उनके पास तो ये राइट है ही नहीं, ना तो वो एसोसिएशन बना सकते हैं. ये दोनों राइट भी उनसे छीन ली गई है, उनके पास तो ये अधिकार भी नहीं है. तो एट द एंड यही क्वेश्चन उठता है, कैन प्रोफेशनल ड्यूटी, अब एक लॉयर की ड्यूटी क्या है? लॉयर की ड्यूटी है कि वो किसी भी हाल में एक जो अक्यूज्ड है या जो विक्टिम है उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे कोर्ट ऑफ लॉ में. अब क्या ये ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है अपनी राइट को रियलाइज करने के लिए? क्या लॉयर्स खुद अपनी राइट के लिए लड़ते वक्त अपने क्लाइंट्स की राइट को इग्नोर कर सकते हैं? दिस इज़ अ फंडामेंटल फिलोसफिकल क्वेश्चन इन केस ऑफ स्ट्राइक बाय लॉयर्स. सो द फर्स्ट केस विच वी लुक इज एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ द कोर्ट हेल्ड दैट लॉयर्स हैव नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक और गिव अ कॉल फॉर बायकॉट, नॉट इवन ऑन अ टोकन स्ट्राइक. द प्रोटेस्ट इफ रिक्वायर्ड can be held by giving press statements, TV interviews, carrying out of court premises banners or placards, wearing black or white or colored armbands, peaceful protest marches outside and away from court. तो यहाँ पे एक पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स के पास कोई राइट ही नहीं है टू गो ऑन स्ट्राइक और कॉल फॉर बायकॉट ऑफ कोर्ट. कोई ऐसी राइट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड द सेम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट अगर उनको प्रोटेस्ट करना है, इफ दे वॉन्ट टू प्रोटेस्ट, तो एक तरफ स्ट्राइक की राइट को तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि है ही नहीं आपके पास, बट राइट टू प्रोटेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट. बट कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? कोर्ट ऑल्सो गेव एग्जाम्पल्स ऑफ दैट दोज थिंग्स.
For example, giving press statements, TV interviews, carrying out court banners in court premises, wearing black and white or color armbands, or by peaceful marches away from court. तो इन सारी राइट्स को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, बट राइट टू स्ट्राइक को कोर्ट ने डिनाई कर दिया हरीश उप्पल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. हम नेक्स्ट केस देखते हैं हुसैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ द कोर्ट हैड क्लियरली स्टेटेड दैट लॉयर्स स्ट्राइक एंड सस्पेंशन ऑफ कोर्ट इज इलीगल एंड इट इज हाई टाइम दैट लीगल फ्रेटर्निटी रियलाइज्ड इट्स ड्यूटी टू द सोसाइटी विच इज फॉरमोस्ट. नाउ इस केस में भी लॉयर्स ने कोर्ट्स ने इनकी राइट टू स्ट्राइक को और सस्पेंशन ऑफ कोर्ट वर्क को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, और ये भी रियलाइज कराने की कोशिश की लीगल फ्रेटर्निटी को कि आपकी ड्यूटी सोसाइटी के लिए फॉरमोस्ट है. अगेन द राइट वर्सेज ड्यूटी डिबेट, द राइट वर्सेज ड्यूटी डिबेट को कोर्ट ने फिर से जनरेट किया कि आपकी राइट जो है राइट टू स्ट्राइक ये आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी जो है वो फॉरमोस्ट है सोसाइटी के लिए. तो आपके राइट की वजह से, स्ट्राइक की वजह से अगर सोसाइटी को नुकसान हो रहा है तो वी कांट गिव यू दैट राइट. अगेन इन कृष्णकांत तमराकर वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कोर्ट ने फिर से वही बात की कि लॉयर्स की जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक बाय लॉयर्स आर इलीगल एज दे ऑब्स्ट्रक्ट एसेस टू जस्टिस. जब हम ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड देखते हैं तो हमको एक और चीज़ याद आएगा. क्या याद आएगा? दैट इन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट वी हैड सीन दैट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज अ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट. सो सिमिलरली इस कोर्ट ने यह भी कहा, द कोर्ट फर्दर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सच एक्शंस अमाउंट टू कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एंड ऑफिस. तो इस केस के पॉइंट पे ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इफ बाय स्ट्राइक यू आर समहाउ ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और एसेस टू जस्टिस देन यू आर कॉजिंग कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट. और कोर्ट ने कुछ केसेस में लॉयर्स को जिन्होंने हल्ला शोर मचाया कोर्ट परिसर में या फिर किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया उनके लिए कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चलाया है कोर्ट ने. Incidences have been there in which high courts and supreme courts have actually initiated a contempt of court proceeding against the striking lawyers. Now in another case of Praveen Pandey versus the state of Madhya Pradesh, court held that decision of state bar counsel calling upon the advocates in the state to observe a week-long protest and to abstain from judicial works and court proceedings is illegal, unconstitutional and against the statutory provision as well as contrary to the judgments of Supreme Court. It should be T. Judgments of Supreme Court. So similarly, जैसे कि बाकी courts में कहा गया, इस court में एक High Court ने भी यही कहा, मध्य प्रदेश High Court ने, that call for the strike by the state bar councils. जैसे state bar council कभी-कभी strike की call करते हैं. For example, Delhi में जब Delhi police और advocates की लड़ाई हुई, तो ऑल्दो बीसीआई ने कॉल फॉर स्ट्राइक नहीं किया था, बट आप देखेंगे कई सारे डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स और स्टेट बार काउंसिल्स ने टू सपोर्ट द लॉयर्स प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली कॉल फॉर स्ट्राइक एब्स्टेनिंग फ्रॉम जुडिशियल वर्क. नाउ दैट वाज कंप्लीटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. एक तरफ तो जब आप काम का बहिष्कार करेंगे व्हेन लॉयर्स आर एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क और कॉलिंग फॉर एब्स्टेनिंग फॉर वर्क, तो आप अल्टीमेटली नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? अल्टीमेटली नुकसान तो आप उस क्लाइंट को पहुंचा रहे हैं ना जिसकी कोई गलती नहीं है. फॉर एग्जांपल किसी को बेल लेनी थी आज, उसका उसकी कस्टडी का एंड हो रहा था, जुडिशियल कस्टडी का, उसको बेल चाहिए थी आज, लेकिन बिकॉज लॉयर्स स्ट्राइक पे हैं वो बेल नहीं पाएगा, तो ये तो उसकी राइट भी तो छिन रही है. उसकी उस कॉन्स्टिट्यूशन अगर वकील्स को राइट देती है, एडवोकेट्स को राइट देती है राइट टू स्ट्राइक समहाउ देती है कुछ हद तक, तो वो राइट तो एक कॉमन सिटीजन के पास भी है ना कि वो अपने जुडिशियल प्रोसेस का कंप्लीट यूज़ करते हुए अपनी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें. अगर किसी और की लाइफ एंड लिबर्टी आपके राइट टू स्ट्राइक से कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इन एनी डे आपको उसकी राइट और लिबर्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और यही कोर्ट्स ने हमेशा किया है. नाउ अब हम देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर डिनाइंग द राइट. एक तो हमने बेसिक्स पढ़ लिए, अगेन समराइज किया जाए अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पांच मेन रीजन दिखते हैं जिसकी वजह से ये राइट टू स्ट्राइक डिनाई नहीं दी जाती है एडवोकेट्स को. द फर्स्ट इज डिले इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ऑलरेडी इंडिया में 3 करोड़ से ऊपर केसेस पेंडिंग हैं, और आए दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स स्ट्राइक की डिमांड करती हैं, स्ट्राइक करती हैं. अल्टीमेटली ये और डिले इन जस्टिस कॉज कर रहा है. दिस इज एक्सट्रीमली problematic for a country like India with so much of
long due of so many cases are pending, so much pendency level is in some high courts pendency level is 90% एंड स्टिल अगर आप डिमांड करते हैं वहाँ स्ट्राइक की तो ये फर्दर और प्रॉब्लमेटिक कर देगा चीज़ों को. देयरफॉर एक ये बड़ा रीज़न है कि स्ट्राइक की परमिशन नहीं देनी चाहिए. सेकेंड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस. इट हैज़ बीन सीन दैट इन सम केसेस टू ऑब्स्ट्रक्ट द जुडिशियल प्रोसेस पीपल गो ऑन स्ट्राइक और टू पीपल यूज द राइट टू प्रोटेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई नॉट कम्प्लीटली एग्री, बट देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट इन प्रशांत भूषण केस कि जो प्रशांत भूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, they were ultimately putting judiciary under pressure, so it was an obstruction to the judicial process and it should not have happened. I don't agree with this argument, but this was a good argument raised against the people protesting in favor of Prashant Bhushan in contempt of court case. Similarly, in hum lower court se bhi dekhte hain kai baar kuch agar koi police pe case file karti hai kisi ke against, तो लोकल लॉयर्स वहाँ के प्रोटेस्ट करके कोशिश करते हैं स्ट्राइक करके कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए या पेंड उसके केस में जजमेंट फेवर में आए. सो ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्स्ट्रक्शन टू द जुडिशियल प्रोसेस. थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स टू अचीव देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है भाई, राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 18 आर्टिकल 21 इज विद एवरीवन, विद एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. नाउ व्हेन यू आर यूजिंग योर राइट टू स्ट्राइक अंडर आर्टिकल 19C, अगर आपकी राइट टू स्ट्राइक से उनकी राइट किसी और की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है, तो आर्टिकल 21 सुपरसीड करता है किसी और भी राइट पे, किसी की और भी राइट पे. तो अगर किसी को जेल से बेल का अधिकार है किसी पर्टिकुलर दिन पे और उस दिन पे सिर्फ स्ट्राइक की वजह से उसको बेल नहीं मिलती है, तो इट विल बी अनजस्टिफाइड. अनजस्टिफाइड ही नहीं, उस दिन के बाद से अगर वो जेल में रहता है, फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है, कुछ केसेस में 180 दिन के अंदर. तो अगर 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी थी और 90 डे के अंदर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की, तो 91th डे जो है द अक्यूज विल हैव राइट टू बी आउट ऑन बेल. ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट है कि 91th डे वो आउट ऑन बेल हो जाएगा. बट इन केस 91th डे या 92nd डे 93rd डे कोर्ट में स्ट्राइक है, तो वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि कोर्ट वर्क नहीं पूरा हो पाएगा. तो ये जो 3-4 दिन 5 दिन वो जेल में रहेगा अननेसेसरली, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉयलेशन है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लॉयर्स की स्ट्राइक की वजह से किसी और की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉयलेशन हो रहा है. देयरफॉर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए राइट टू स्ट्राइक जो है डिनाई की जाती है. कॉन्फ्लिक्ट विद राइट्स ऑफ अदर सिटीजंस टू अचीव देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फोर्थ पॉइंट है हार्डशिप फेस बाय विक्टिम्स अगेंस्ट. अगर कोई विक्टिम है जो कोर्ट में क्या अपना केस लेके जाना चाहती है, फॉर एग्जांपल आज किसी के साथ चोरी होती है, वो किसी वकील को ढूंढता है, पुलिस स्टेशन में केस नहीं फाइल होता है, तो किसी वकील के पास जाएगा जनरली कि आप चलिए बात करिए, ये करिए वो करिए. तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर वकील से स्ट्राइक पे हैं, वकील काम नहीं करते हैं, तो विक्टिम्स जो ऑलरेडी बेचारा विक्टिम है किसी चीज़ का मारा हुआ है, ही विल ऑल्सो फेस हार्डशिप टू अचीव हिज राइट टू जस्टिस. लास्टली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. प्रोफेशंस की कुछ अपनी बाउंडेशंस होती हैं, कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं, एंड वी शुड नेवर क्रॉस इट. सो इन सर्टन प्रोफेशंस विच हैव सोशल वैल्यू लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली. सो इन अ नटसेल, स्ट्राइक्स बाय लॉयर आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. There are certain professions that should be treated alike as they had a motto to serve the society at large, and legal profession is one of them that needs to work towards providing justice to the people without the delay. Again, the right versus duty debate. It is your duty and your duty should supersede your right because you are in a profession which is very honorable and it has duty towards serving justice to the people without delay. Therefore, this right to strike has never been given to the members of legal fraternity. Thank you.